हाउ कैन यू बिकम अ सर्टिफाइड पर्सन इन एनएलपी, या मैं इसे ऐसे कहूं कि क्या वाकई में एनएलपी में सर्टिफिकेशन की जरूरत है, ये सर्टिफिकेशन का मिथ क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली एनएलपी को दो पर्सन्स ने क्रिएट किया, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर। इन दोनों ने मिलकर एनएलपी को डेवलप किया, नर्चर किया, और बहुत सारे और लोगों ने भी अपने मैसिव एफर्ट्स दिए एनएलपी को डेवलप करने के लिए। उनमें से कुछ लोगों के नाम हैं स्टीव एंड्रियाज, रॉबर्ट डिल्स, टेड जेम्स, ऐसे बहुत सारे लोग। तो आप समझ सकते हैं कि एनएलपी किसी भी एक पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है, और इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो एनएलपी को कंट्रोल करती हो या उसके लिए गाइडलाइंस लेके आती हो। तो जब भी सर्टिफिकेशंस की बात की जाती है तो मैक्सिमम ये एनएलपी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस का यूएसपी होता है कि वो कहते हैं कि वी विल गिव इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फॉर एनएलपी, या वी विल गिव यू 5 certificates, 10 certificates विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। एक्चुअली आपको सिर्फ एक ऐसे सर्टिफिकेट की जरूरत है कि आप ये कह सकें कि आई एम अ सर्टिफाइड पर्सन इन एनएलपी, सो दैट जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं या किसी कॉरपोरेट में जाएं या किसी भी और गैदरिंग को एड्रेस करने जाएं, और वहां पे क्योंकि लोग एनएलपी और एनएलपी की सच्चाई को नहीं जानते, तो वो आपसे ये पूछेंगे आर यू अ सर्टिफाइड पर्सन इन एनएलपी, और आप जवाब दे सकें कि यस आई एम अ सर्टिफाइड पर्सन इन एनएलपी, मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है यू आर अ सर्टिफाइड एनएलपी कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर, राइट। तो जब भी ऐसा है तो आप अपनी उस सर्टिफिकेट को यूटिलाइज कर सकते हैं एंट्री के लिए। एक्चुअली योर स्किल इज योर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास स्किल है तो वो सर्टिफिकेट आपके फेवर में काम करेगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप फेसबुक पे जाइए एनएलपी प्रैक्टिशनर या सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्च करिए, और आपको शायद थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स मिल जाएंगी जिसपे ये लिखा हुआ है सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर, लेकिन एक्चुअली उनके कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो रहे, वो किसी को भी एड्रेस नहीं कर रहे, वो कोई काउंसलिंग सेशंस नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन शायद स्किल नहीं है। तो योर स्किल इज योर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन एक मिथ है। आपको ये सर्टिफिकेशन की जरूरत सिर्फ एंट्री बैरियर को क्रॉस करने के लिए चाहिए, राइट। आई होप दिस इज नाउ क्लियर।